चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ग्रामीणों ने राजमार्ग पर किया चक्काजाम, शराबबंदी का विरोध करने वाला युवक गिरफ्तार। बालाघाट के ग्राम पंचायत कुमारी के छोटे कुमारी में सरपंच सावन पिछोड़े के नेतृत्व में 6 महीनों से शराबबंदी का निर्णय कर गांव में किसी भी तरह की अवैध शराब बिक्री नहीं होने दी जा रही है। इसी से नाराज अवैध शराब कारोबार में संलिप्त युवक भूरा भलावी ने रोड किनारे खड़े सरपंच को अपनी मोटरसाइकिल से कुचलने का प्रयास किया, जिससे ग्रामीण जन आक्रोशित हो गए और उन्होंने चकाजाम कर प्रदर्शन किया, रास्ता रोककर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि युवक अवैध शराब का कारोबार करता है, जब से गांव में शराबबंदी कर रोके जाने से वह किसी के साथ भी अभद्रता और गाली गलौज और फंसाने की धमकी दी जा रही है। इसी तरह से गांव में लंबे अंतराल से अतिक्रमण है, लेकिन उसे प्रशासन द्वारा हटाया नहीं जा रहा है। सरपंच को एक्सीडेंट कर कुचलने के मामले में सामने आने से ग्रामीण जन आक्रोशित हो गए और उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। चकाजाम प्रदर्शन होने से राजमार्ग के दोनों ओर लंबी कतारें लग गई और बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा हो गया। इस घटनाक्रम की सूचना पर तत्काल कोतवाली थाना प्रभारी पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों की बात को सुनाई और जिसके पश्चात संबंधित युवक को अपनी अभिरक्षा में ले लिया। उन्होंने युवक भूरा भलावी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया है। सावन पिछोड़े सरपंच ग्राम पंचायत कुमारी। भैया के जो तनाव की स्थिति है, चक्काजाम की स्थिति क्यों ना बता गई? तो क्या हुआ, सुबह सुबह हम लोग वहाँ गए थे, तुम्हारे व्यायामशाला के बाजू में एक महिला ने 10 फीट छोड़ने की बात कही गई थी, तो उनने छोड़ भी दिए थे, लेकिन अचानक क्या हुआ पता नहीं, तो उनने कलम गड्ढा खतना चालू कर दिया। वहाँ पे गए तो महिला का पति जो है वो बोलने लगा कि बोले हम यहाँ कब्जा यहाँ छोड़ेंगे नहीं अब, और जहर खा के मैं फंसा दूंगा, ये ठीक नहीं है, ऐसे में कौन नहीं आया है करने जाएंगा बताओ आप। और फिर उसके बाद इधर आए हम लोग रोड पे, हमने कहा ठीक है तहसीलदार साहब वगैरह सब आ रहे हैं, तो इधर रोड तरफ आ गए, तो वो लड़का जब से शराबबंदी हुई है तब से वो लड़का कट मारना, गाली गलौज करना, ये उसका हथियार लेके भी घूमता था। हाँ वो सब राड वाट लेके, वो बहुत नाटक है उसका, बहुत ज़्यादा बुरा भला भी है। और फिर छोटा जंगल है, अपना छोटा जंगल की ज़मीन है, वहाँ पे अतिक्रमण हुआ है पूर्व में 2014-15 में हटाने की बात कही गई थी कलेक्टर साहब द्वारा, तो अभी तक नहीं हटा। वहाँ अंबेडकर बाबा की मूर्ति स्वयं खुद की एक आदमी ने रख दी है, उसको हटाने के लिए भी कहा था लेकिन अभी तक नहीं हटाए उन लोग ने। आज जो ऐसी नौबत आई है क्या वजह है, क्या आप पे हमला किया गया ऐसा सुनने मिला हमको? नहीं, उन्हें कट मारा तो मैं गिर गया था। किन्ने मारा था? वही बुरा भला भी है। क्या कारण है, क्यों मारा उसने? जब से शराबबंदी हुई तब से ऐसी नाटक करते हैं लोग। तो कौन महिला है जो आपको फंसाने की बात करी थी, उसका पति क्या? समाज को फंसाने के लिए। क्या नाम है उनका? और उसका नाम तो नहीं पता, रनगीरे हैं। तभी क्या उस पर भी कार्रवाई कर रही है पुलिस? हाँ अभी वो तहसीलदार महोदय आ रहे हैं, उनका निष्पक्ष जाँच हो जाए, बढ़िया अच्छे से कर दें उनका भी। कुमारी में छोटी कुमारी सर एक चक्काजाम की स्थिति बन गई थी, क्या है पूरा मामला? देखिए कुमारी छोटी कुमारी में शराबबंदी है पिछले 4-6 महीनों से, 6-7 महीने हो गए, और यहाँ पे एक लड़का है गुरु नाम का, वो आदतन शराब बेचने का काम करता था, उसमें कार्रवाई भी हुई है समय समय पे, लेकिन अभी और उसी की शिकायत आ रही कि वो लोगों को कट मारता है, लोगों से बदतमीजी करता है, गाली गलौज करता है। उसी बात पे पूरे ग्रामीण जन आक्रोशित होकर रोड पर बैठे थे, उनको समझा, इसके बाद रोड क्लियर हो गया है, आवागमन चालू है, और जो संबंधित व्यक्ति उसके खिलाफ हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर ये भी दिखाया गया कुछ और भी बात की स्थिति बनी है तो उसको भी लेकर के अतिक्रमण का मैटर बताया जा रहा है, तो पटवारी साहब आए हैं, तहसीलदार साहब भी आ रहे हैं, तो हम लोग देख लेते हैं उस मौके पे क्या स्थिति, कितना अतिक्रमण है, अगर वो अतिक्रमण अगर है तो उसमें लीगल एक्शन जो भी होती है वो कर की जाएगी। सर शांति बहाल करने के लिए क्या प्रयास करेंगे, तनाव की स्थिति दिख रही है? तनाव नहीं है, सब गाँव वाले इकट्ठे हुए हैं उसी लड़के के लिए, उस लड़के को ले जाके हम कार्रवाई कर रहे हैं उसके खिलाफ, और बाकी सभी लोग समझदार हैं, यहाँ पे सरपंच साहब और बाकी सभी वरिष्ठ नागरिक हैं समझदार काफी लोग हैं, ये ऐसी आगे न्यूसेंस नहीं होगा यहाँ पर। थैंक यू सरपंच साहब। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।